उत्तराखंड जनजाति आयोग के अध्यक्ष मूरत राम शर्मा ने कृषि मंडी परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कृषि व्यापारियों की समस्याओं को सुना। दरअसल व्यापारियों ने कहा कि 98 दुकानों में से एक भी दुकान जौनसारे जनजाति को आवंटन नहीं की गई है, जिसके कारण व्यापारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक ही व्यापारी के नाम पर 5-5 दुकानें आवंटित की गई हैं, जो कि नियमों के विपरीत हैं। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। जो मंडी के अधिकारी उनका ही कहना कि साहब ये यहाँ पर जो है बैठ नहीं सकते, ये ज़बरदस्ती बैठे। मेरा ये कहना, मैंने इनको भी निर्देशित किया है कि इनको कार्य करने दो, व्यापार करने दो। और हम जो है शासन में बात करें, यहाँ तो हम कुछ ये सक्षम भी नहीं है। और ये केस लगा था, पर्टिकुलर केस है जिसमें एक विशेष व्यक्ति द्वारा एक पर्टिकुलर जगह पर चयनित जगह पर कह रहा है कि मुझे यहाँ पे दुकान दिए जाने की मांग की गई है। तो हमने कहा मंडी जो नियम और प्रावधान है उसके अंतर्गत ही दुकान आवंटित की जाएगी, क्योंकि मंडी नियमावली से आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। और हमारा बोर्ड है, इवन कि हमारे जो चेयरमैन है बोर्ड के, माननीय मंत्री जी हैं, वो ही इसके प्रोसीजर को फॉलो लास्ट तक वहीं होता है। और तो हम उसके अगेंस्ट लॉ हम जा नहीं सकते, तो उसी केस के सिलसिले में उसका जगह का मुआयना करने आए थे।